फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट, एक स्वीट मिठाई का एक डब्बा है, डिवाइड अलोंग 24 चिल्ड्रन, मिठाई का डब्बा है जो 24 चिल्ड्रन में आपको बांटना है, दे विल गेट ए 5 स्वीट ईच, एक एक बच्चे के 5-5 स्वीट आ सकती है अगर हम 24 बच्चों को वो दे दो, जो भी डब्बे में है कंप्लीट। इसका मतलब डब्बे में 24 5 जा 120 है, तो हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ देयर नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस्ड बाई 4, अगर बच्चों 4 कम कर दें तो हर बच्चे के कितना आएगा ये हमें बताना है। हमारे पास एक मिठाई का डब्बा है जिसमें 120 चॉकलेट है। क्यों है 120? क्योंकि 24 स्टूडेंट है और 5 स्वीट ईच को बांट रहे हैं, तो यही होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से 4 स्टूडेंट रिड्यूस कर रहे हैं, तो पीछे बचेंगे आपके 20, तो अब बताना है कि ये 20 कितने स्टूडेंट में बढ़ सकती है। डायरेक्ट निकालेंगे तो 6 आते हैं, फिर मैं पूरे फॉर्मूले से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले आपको यहाँ लिखना है चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कह सकते हो, फिर यहाँ कह सकते हो स्वीट्स, ईच स्टूडेंट या ईच चिल्ड्रन कह सकते हो। अभी देखो 24 चिल्ड्रन है तो 5-5 स्वीट सब में आ रहा है, अभी रिड्यूस कर रहे हैं मतलब 24 चिल्ड्रन में से 4 चिल्ड्रन हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो अब हमारे पास चिल्ड्रन कितने बचे हैं 20, तो देखो स्टूडेंट कम हो गए हैं और मिठाई वही है, स्वीट्स वही है, तो ज़्यादा स्टूडेंट में आएगा, तो यहाँ पर आंसर आपके ज़्यादा आएगा, तो 5 कम रहेगा और x का वैल्यू ज़्यादा आएगा। और यहाँ पर हमें डायरेक्ट पता है कि 20 स्मॉल नंबर है और 24 बड़ा नंबर है, छोटे से बड़े की ओर जाना है आपको, तो अब इसको आपको ऐसे लिखना है 24 रेशो, पहले 20 आएगा फिर 24 आएगा, छोटे से बड़ा, इधर भी ऐसे तीर के साथ चलना है, पहले 5 और फिर आपके x आएगा। अब यहाँ पर x आपके बाहर की ओर है, आउटर नंबर है, बाहर है ना, बीच में नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ आउटर टर्म या एक्सटर्नल टर्म, फिर यहाँ लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल टर्म, तो अब क्या करते हैं बाहर वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर वाला मतलब ये भी बाहर वाला और ये भी बाहर वाला, प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल टर्म मतलब 24 × 5, ये तो हो गया 20x और ये हो गया आपके 120, मल्टीपल का हो जाएगा आपके डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा 120/20 इजिकल टू हो जाएगा आपके 6 हो जाएगा। आपके क्वेश्चन नंबर है 5, ए फार्मर हैज़ इनाफ फूड टू फीड 20 एनिमल, ये कह रहा है कि एक फार्मर है, किसान है, जिसके पास खाना है 20 एनिमल के लिए है, 20 एनिमल के लिए है, कितने दिनों के लिए है, 6 दिनों के लिए है, तो हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ 10 एनिमल मोर इन कैटल, अगर 10 एनिमल और आ जाए तो वो खाना कितना दिन चलेगा ये हमें बताना है। सिंपल है, एक तो है एनिमल और एक है आपके डेज, हमारे पास 20 एनिमल है और उनके लिए आपके पास 6 दिन का खाना है। अब ये कह रहा है 20 मोर एनिमल, मतलब पहले 20 थे अब 10 और आ जाएंगे तो अब हो गया है आपके 30, तो अब खाना कितना दिन चलेगा बताना है, तो देखो यहाँ पर आपको पता ही है कि ये छोटा नंबर है और ये बड़ा है, एक नंबर छोटा है और एक नंबर क्या है आपके बड़ा है, तो छोटा और बड़ा ऐसे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर ज़्यादा एनिमल होंगे तो आपके खाना कम दिन चलेगा, तो ये वाला जो वैल्यू आएगा ना वो कम आएगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, छोटा ये नीचे वाला रहेगा, बड़ा ऊपर वाला रहेगा, अब छोटा पहले बड़ा बाद में, तो ये आएगा 20:30, इधर आपके x छोटा है, आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि x छोटा आएगा बड़ा आएगा 6,
इस बार आपके एक्स जो है ना वो सेंटर मिडल में है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म या इंटरनल टर्म भी कह सकते हो, और यहाँ आएगा आपके प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म। मिडल टर्म आएगा 30 × x और उसमें आएगा आपके 20 × 6। ये तो हो गया है आपके 30x और ये हो गया है आपके 120। मल्टीपल का हो जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा 120/30 इक्वल टू आ जाएगा आपके 4 days। मतलब जो खाना है ना 4 दिन ही चलेगा क्योंकि 10 जानवर और आ चुके हैं। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 6। ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 पर्सन कितने हैं 3 कुड रिवायर जसमिंदर हाउस इन 4 days। मतलब 3 व्यक्ति जसमिंदर के हाउस को ठीक करना है या फिर बनाना है तो 4 दिन में बना सकते हैं। इफ 4 पर्सन इंस्टेंट ऑफ 3 मतलब 3 की जगह क्या आ जाए 4 यूज करता तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता अगर वो 3 की जगह 4 आदमी रखता। तो पहले हम पहले वाला काम लेते हैं, एक तो हम लेते हैं पर्सन और एक लेते हैं हम यहाँ पर डेज। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो पर्सन है, पहले क्या था कि 3 पर्सन थे जो 4 दिन में काम पूरा कर देते थे। अब वो सोच रहा है अगर 3 की जगह में 4 आदमी लेता 4 पर्सन लेता तो वो कितने दिन में काम ख़त्म हो जाता। देखो अगर आप ज़्यादा काम लोगे तो काम जल्दी हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू छोटा आएगा आपके, तो इसीलिए इसको ऐसा लिखना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू कम आएगा, ज़्यादा आदमी है तो दिन कम लगेंगे तो एक्स का वैल्यू कम होगा आपके। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर रेशो, लिखते हैं 3:4 x=4। अब यहाँ आपको देखो x मिडल में है तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म इजिकल टू हो जाएगा आपके प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म। मतलब आपको लिखना है 4 × x इजिकल टू 3 × 4, तो ये हो गया है आपके 4x और ये हो गया आपके 12। आप चाहो तो 4 से 4 कैंसिल भी कर सकते हो, मल्टीपल का हो जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा 12/4 इजिकल टू हो जाएगा आपके 3 days। अब है क्वेश्चन नंबर आपके 7। 7 में लिखा हुआ है ए बैच ऑफ बॉटल वेयर पैक्ड इन 25 boxes विथ 12 bottles इन ईच बॉक्स। मतलब हमारे पास जितनी भी बॉटल्स है उन सब को 25 boxes में भरना है, 12 12 bottles। मतलब हमारे पास अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल 300 bottles है जो आपको ऐसे ऐसे 25 box भरने हैं। अगर ये कह रहा है कि अगर ये यहाँ ज़्यादा दे दी, वैसे ये बोतल मैं काट देता हूँ, ये रही आपके 20 bottles 5 5 5 5 इजिकल टू हो गई है 20 bottles। तो ये कह रहा है बैच इन पैक यूजिंग 20 bottles ईच बॉक्स। अगर वही 300 bottles जो है वो हम ऐसे भरें एक में 20 20, यहाँ हमने पहले भरे थे एक में 12 12, तो 25 box बने थे। अब हर बॉक्स में अगर हम 20 20 भरते हैं तो कितने बॉक्स लगेंगे, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो सिंपल है, पहले आपको लेना है एक तो बॉक्स कितने हैं वो लेने और बॉटल कितनी लेनी, बॉटल्स इन ईच बॉक्स। देखो हमारे पास 25 boxes हैं जिसमें हर बॉक्स में प्रत्येक बॉक्स में आपके पास 12 bottles है। अब ये कह रहा है कि वही बॉटल्स को अगर हम 20 20 bottles भरें एक में, तो देखो ज़्यादा बॉटल भरेंगे एक में ही तो हमारे पास बॉटल इतनी नहीं है कि हम और बॉक्स भर सकें, बॉक्स कम लगेंगे आपके, तो ये वैल्यू आपका कम आएगा और ये वैल्यू ज़्यादा होगा। इसमें तो आपको दिख ही रहा है कि 12 छोटा है और 20 बड़ा है, इसको हम ऐसे लिखेंगे x=25 equal ratio 12
रेशो 20। अब यहाँ हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म इजिकल टू हो जाएगा आपके प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म। अब एक्सटर्नल टर्म में आपके आ जाएगा x और 20 और इसमें आ जाएगा 5 × 12। ये तो हो जाएगा हमारा 20x और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते तो आता है आपके 300। मल्टीपल का हो जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा आपके 300/20। 0 to 0 कैंसिल और ये हो जाएगा हमारा 15। इसका मतलब हमें 15 बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपके क्वेश्चन नंबर है 8, इसमें लिखा हुआ है इफ़ फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज। मतलब अगर इस फैक्ट्री को अगर हम 42 फैक्ट्री के अंदर 42 मशीन लगी हुई है और वो अगर 63 डेज काम करने पर जो भी काम दिया हुआ वो पूरा कर देती है, अब हाउ मैनी मशीन वुड बी रिक्वायर प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल। वही आर्टिकल्स आपको 54 डेज में बना कर देने हैं तो आपको कितनी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी ये बताना है आपको। अभी देखो आपके एक तो है आपके नंबर ऑफ मशीन, और दूसरा है आपके डेज। अब मशीन कितनी है 42 और डे कितने हैं 63 डेज है। अब क्या हो रहा है कि पहले 42 मशीन इतने दिन तक काम करती तब जाके जो भी काम दिया वो पूरा करती। अब क्या करना है कि वही काम आपको 54 दिन की जगह आपको जल्दी करना है, फास्ट काम करना है, 54 दिन में ही करना है तो बताना है कितनी मशीन लगेगी। तो जल्दी काम करना है तो मशीनें ज़्यादा लगेगी, मतलब ये वाला वैल्यू आपके ज़्यादा आएगा। इसमें तो हमें मालूम है 54 छोटा है और 63 बड़ा है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब हम लिखेंगे जैसे रेशो है ना उसके छोटा बड़ा लिखेंगे, छोटा पहले बड़ा बाद में, ऐसे आपको लिखना है। तो ये आएगा आपके 42 रेशो एक्स इक्वल रेशो 54 रेशो 63। अब हम लिखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म इजिकल टू हो जाएगा आपके प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म। अब मिडल टर्म करेंगे तो ये आएगा आपके x इंटू 54 और एक्सटर्नल टर्म करेंगे तो ये आएगा 63 × 42। मल्टीपल का हो जाएगा ये इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू आएगा 63 × 42/54। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर काटेंगे इनको, तो दोनों किससे डिवाइड जा रहे हैं, ये वाला और ये वाला दोनों 9 से डिवाइड जा रहे हैं। ये जा रहा 9 का डिवाइड आपके 6 टाइम और ये जा रहा 9 का डिवाइड आपके 7 टाइम। अब 6 की टेबल से ये दोनों काटेंगे, ये तो जाएगा 1 टाइम और ये जाएगा आपके 7 टाइम, तो x का वैल्यू आएगा 7 × 7 इजिकल टू कितना हो गया, इसका मतलब आपको 49 मशीन चाहिए जो आपका काम जल्दी कर देगी, 54 डेज में ही हो जाएगा। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 9, एक कार है जो 2 आवर्स टू रीच ए डेस्टिनेशन बाई ट्रेवलिंग, मतलब कुछ दूरी तय करती है, किस स्पीड से करती है 60 km/h से गाड़ी चल रही है और 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाती है। जैसे मान लो आपको जाना है ब्यावर या आपको अजमेर जाना है तो 60 की स्पीड से गाड़ी चलाओ तो 2 घंटे में आप पहुँच जाओगे। अगर आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और कितनी कर दी आपने 80, तो आप कितने टाइम में पहुँच जाओगे ये बताना है। एक तो आपके पास है टाइम और एक आपके पास है स्पीड। आपके पास 2 आवर्स है, 2 घंटे अगर आप लगातार गाड़ी में चलाओ वो भी 60 की स्पीड से तो आप कहीं पर पहुंच सकते हो। अगर आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और कितनी कर दी 80 कर दी तो आप जल्दी पहुंचोगे या लेट पहुंचोगे? जल्दी पहुंचेंगे, मतलब ये वाला जो टाइम है ना थोड़ा कम आएगा,
एक घंटे में या फिर 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, इसका मतलब है ये छोटा है और ऊपर वाला बड़ा है। इसमें तो पता ही है 60 छोटा है, 80 बड़ा है, तो ऐसे बना देंगे। अब हम लिखेंगे 2 रेशो x, फिर आएगा आपके 60, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर, x आएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर x रेशो 2 इक्वल रेशो 60 रेशो 80, छोटा पहले बड़ा बाद में। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ आउटर टर्म इजिकल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल टर्म या मिडल टर्म, एक ही बात है। तो हमें लिखते हैं x इंटू 80 इजिकल टू कितना हो जाएगा आपके 2 इंटू 60, ये तो हो जाएगा 80x और ये हो जाएगा आपके 120। मल्टीपल का हो जाएगा डिवाइड में, तो 120/80 कैंसिल कर दो, फिर 8 का डिवाइड करो, पहले जाएगा 1 टाइम, फिर पॉइंट, फिर आपके जाएगा 5 टाइम। आप ऐसे ये रफली डिवाइड कर लेना, पहले एक बार जाएगा, फिर 4 बच जाएंगे, पॉइंट लग जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा, इसका मतलब 1.5 घंटा। आप तो उसे मिनट में भी चेंज कर सकते हो, जो ऐसे 1 आवर और जो 0.5 है ना, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो 60 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिनट में चेंज हो जाएगा, तो हमारा टाइम हो जाएगा 1 आवर एंड 30 मिनट, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 300, पॉइंट लग जाएगा 0 के कारण, तो 1 घंटे 30 मिनट में पहुँच जाएंगे, या फिर आप इसे 1.5 घंटा ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। अब है आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10। 2 पर्सन कुड फिट ए न्यू विंडो इन ए हाउस 3 डेज, क्या कहा है, 2 आदमी हैं जो घर के अंदर क्या लगानी है आपको, खिड़कियाँ लगानी बहुत सारी, वो कितने दिन में लगाते हैं, वो 3 दिन में लगाते हैं। वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, अगर एक ही आदमी उसको काम करे तो कितने दिन लगेंगे, और आपको सारी खिड़कियाँ एक ही दिन में लगानी है तो आपको कितना लगेगा, ये बताना है आपको। सिंपल है क्वेश्चन, ध्यान लगाना, सिंपल है सबका, ऐसे सिंपल है क्योंकि देखो 2 पर्सन है और 3 डेज है, तो टोटली आपके 6 शब्द आ गया इसका, कैसे आएंगे देखो, ध्यान लगाना। हम अलग अलग बताते हैं, पहले हम फर्स्ट का आंसर देते हैं, एक तो है हमारे पास पर्सन और एक है हमारे पास डेज, आदमी 2 है और खिड़कियाँ करने पर काम कितना है, 3 दिन का है। अगर ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक ही आदमी होता तो कितने दिन में काम होगा, तो यहाँ तो पता है कि छोटा ये है और बड़ा ये है, यहाँ पर देखो आपको पता है कि अगर एक ही आदमी है तो काम ज़्यादा दिन लगाएगा, तो ये उत्तर ज़्यादा आएगा, तो ये छोटा है और ये बड़ा है। How long would each period be? The school has
रिपीट करने हैं, 9 मिनट करने हैं और वही टाइम है, एज्यूमिंग दैट द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स द सेम टाइम, टाइम सेम है, टाइम मतलब 10 घंटे चलती है, 10 घंटे चलेगी स्कूल, 5 घंटे चलती है, 5 घंटे ही चलेगी, तो बताना है कि एक पीरियड कितने मिनट का होगा। तो देखो हमारे पास एक तो है पीरियड और एक है आपके पास मिनट। आपके पास 8 पीरियड है, जो एक पीरियड कितने मिनट का है, 45 मिनट का। आप पीरियड 9 करना चाहते हो, टाइम वही रहेगा स्कूल का, तो पीरियड 9 करना चाहते हो तो एक एक पीरियड का टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये कम है और ये वाला ज़्यादा है, इधर एक छोटा है और 9